नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, इसके लिए 30 सितंबर तक अब इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। पंचायत विभाग के ASI ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इधर राज्य चुनाव आयोग भी इस बाबत नोटिफिकेशन दे सकता है। पंच सरपंच समिति जिला परिषद के चुनाव होने हैं, दो चरणों में ये प्रदेश के चुनाव जो है पंचायत चुनाव है वो संपन्न होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त सितंबर में पंचायत चुनाव होने हैं और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सितंबर में पंचायत चुनाव और इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। 30 सितंबर तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। पंचायत विभाग ने ACI ने ये सूचना जारी कर दी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग भी जल्द इस बाबत अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। पंच सरपंच पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव होने हैं। तो हरियाणा में सितंबर में पंचायत चुनाव होंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर ली गई है। तो गांव की सरकार के लिए कहीं ना कहीं अब कमर कसी जा रही है, अधिसूचना भी जारी हो गई है और अब राज्य निर्वाचन आयोग भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो गांव की सरकार के लिए अधिसूचना जारी। हरियाणा में सितंबर में पंचायत चुनाव होने हैं, दो चरणों में प्रदेश के पंचायत चुनाव हो सकते हैं ये कहा जा रहा है। पंचायत चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में सितंबर में पंचायत चुनाव होंगे और 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें पंच सरपंच पंचायत समिति इन तमाम मुद्दों पर होंगे। देखिए अब ग्राफिक के जरिए आप जरा समझिए, सितंबर में छोटी सरकार के चुनाव होने हैं, 30 सितंबर तक ये इलेक्शन संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक इस बाबत नोटिफिकेशन जारी करना होगा। तो छोटी सरकार यानी गांव की सरकार के लिए पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 30 सितंबर तक चुनाव की तमाम जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग जल्द इस बाबत अधिसूचना जारी कर सकता है, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी कराई ली जाएगी। सितंबर जो है अब सितंबर में चुनाव होने हैं, पंच सरपंच पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों के चुनाव किए जाने हैं। छोटी सरकार के चुनाव अब नजदीक है, तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। सितंबर में छोटी सरकार के चुनाव होने हैं, इसको लेकर अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है और अब जो इंतजार है वह यह है कि राज्य चुनाव आयोग भी जल्द से जल्द इस बाबत अधिसूचना जारी करे। तो पंच सरपंच चुनाव एक साथ कराए जाने की खबरें भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दो चरणों में ये पंचायत चुनाव संपन्न होंगे, पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव एक साथ कराने की खबर है। तो इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब इंतजार किया जा रहा है कि राज्य सरकार कब अपना नोटिफिकेशन, कब अपनी अधिसूचना जारी करता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव एक साथ संपन्न हो सकते हैं। और तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा इस पूरी खबर पर बनी हुई है। साक्षी, ये बड़ी बात है कि अब जो है हरियाणा में सितंबर में चुनाव होने हैं, इसके लिए बकायदा अभी अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बाबत कब नोटिफिकेशन जारी करता है। फिलहाल जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल से पंचायत के चुनाव लंबित पड़े थे और हाईकोर्ट से इसे हरी झंडी मिलने के बाद अब सरकार ने
मौखिक तौर पर तो पंचायत विभाग जो है उन्होंने चुनाव आयोग से कह दिया था कि चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर राज्यपाल ने भी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना में चुनाव आयोग से कहा गया है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जाएं और 30 सितंबर तक इसकी जो डेडलाइन है वो तय की गई है कि 30 सितंबर से पहले पहले हरियाणा में पंचायत के चुनाव संपन्न करवाए जाने चाहिए। और इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा जो विभाग की है उन्होंने बीते दिन चुनाव आयोग को ये लेटर लिखा। और चुनाव आयोग की अगर तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग काफी समय से ही, जब से ही पंचायत विभाग को पंचायत चुनावों को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली है, उसके बाद से ही उन्होंने इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम शुरू कर दिया, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। कई नामों की चटनी होती है, उसके बाद एक जो तैयार फाइनल वोटर लिस्ट है वो बनती है। तो इन सभी कामों को लेकर सभी जो डीसीज हैं उनसे लगातार टच में है, लगातार उनसे रिव्यूज लिए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा और एक वोटर लिस्ट जो है प्रिपेयर करवाई जा रही है। एक बार जब फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है, इलेक्टोरल रोल रिवीजन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कब करवाने हैं इसे लेकर अधिसूचना और तारीख जो है वो जारी करता है। अगर इससे अधिक आपको जानकारी दे तो बता दें आपको कि कुरुक्षेत्र का जो खंड लाडवा है उसकी ग्राम पंचायत समालखा है, इसे छोड़कर तमाम जगह जो है वो चुनाव होंगे। हरियाणा में 23 ग्राम पंचायतें इस बार ज्यादा होंगी, ऐड की गई हैं। पिछली बार करीब 6205 ग्राम पंचायतें थी और इस बार संख्या बढ़कर 6228 हो गई है। और अब भी कुछ ऐसी आसपास की नगर परिषदों में 10 से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जिन पर अभी फिलहाल शायद चुनाव नहीं होंगे, जहां लेकर जो कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिस तरह के रूल्स बने हुए हैं उसके बाद देखेंगे कब चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन लगभग 1.5 साल से लंबित पड़े इन पंचायत चुनावों को जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतों का कई ऐसा विकास काम है जो कि अधूरा पड़ा हुआ है। सवाल यही है साक्षी कि कई ऐसे विकास कार्य हैं जो अधूरे होते हैं और अधूरे पड़े हैं। लगभग 1.5 साल पहले चुनाव हुए थे और अब आगे चुनाव होंगे, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं, चाहे हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव, इनके जो मुद्दे होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं। कम से कम इसको लेकर जो मतदाता होते हैं बेहद सक्रिय होते हैं, क्योंकि वह अपना वो प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो उनके बीच से हो, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि होती है सड़क की, पानी की, जलभराव की, इन समस्याओं से निजात दिला पा सके। तो फिलहाल जो आप तैयारियां देख पा रही हैं जनता के बीच में, इस वक्त उत्साह कैसा नजर आ रहा है चुनावों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पंचायत के जो चुनाव होते हैं छोटे चुनाव होते हैं, नगर परिषद की हम बात कर ले या राज्यसभा चुनावों की जैसे आपने बात की, ये बड़े चुनाव होते हैं। पंचायत के चुनाव जो है संबंधों के आधार पर ज्यादातर अगर हरियाणा की बात करें तो लड़े जाते हैं कि कौन हमारा सरपंच होगा, किसे पंच नियुक्त किया जाना है। तो लोग अपने आसपास जिस आदमी को देखते हैं, लगातार उनके अच्छे संबंध होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पहचान का कोई इंसान जो है वो पंच सरपंच बन जाए, हमें थोड़ा फायदा हो सकता है, हमारे जो अधूरे काम है वो पूरे किए जा सकते हैं। और ज्यादातर जो पार्टीज हैं वो अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव को नहीं भी लड़ती है, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और कई सारी इकाइयां होती हैं, कई लोग इसमें खड़े होते हैं, तो हर किसी को टिकट दे पाना संभव नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर पार्टियां जो है वो बिना सिंबल के इन चुनावों में उतरती है, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, सड़क, पानी, बिजली की तरह मुद्दे होते हैं, लैंड बैंक्स भी होते हैं कई बार जो पंचायतों के पास होते हैं, जिस पर उनके द्वारा जो है आग्रह किया जाता है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो शायद उनके गांव में, उनके जिले में पहुंचे, उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। तो इस तरह की चीजें जो है वो ग्राम पंचायतें करते हैं ताकि अच्छी मेडिकल सुविधाएं हो। जाहिर सी बात हम कह सकते हैं साक्षी, जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो गए हैं। कैथल से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी जरा ये बताइए, हम लगातार साक्षी से भी पूछ रहे हैं कि जब छोटी सरकार की बात आती है तब माफ कीजिए कि जो मतदान है, जो मतदाता है वो ये सोचते हैं कि कम से कम हमारे बीच का ही चुना जाए और जो हमें क्या कहते हैं बातों से ज्यादा रूबरू हो, हमारी सुविधाओं को ज्यादा समझ पाए, जो हमें सुविधा ज्यादा मुहैया कर पाए। हेलो,
फिलहाल आपको बता दें पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जब छोटी सरकार की बात आती है तो मुद्दे जो होते हैं यहां और चुनावों के मद्देनजर थोड़े भिन्न होते हैं।